आज के नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है शुक्रवार और आज मैं वैभव लक्ष्मी का मेरा पहला व्रत है। तो मैंने बहुत सुना था वैभव लक्ष्मी का के व्रत के बारे में, तो इस बार मैंने भी रखा है। और बताइए, हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं चली आती हूँ स्कूल, फिर वापस आकर आप लोगों से बात करती हूँ। और चूंकि मेरा पहला व्रत है इसलिए मैंने आज नया ड्रेस पहन लिया है। ये देखिए, ये मैंने नया ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि कुछ नया करो तो नया नई शुरुआत नई चीज़ से करो। तो मैंने नया नया फर्स्ट बार उपवास रखा है, तो मैंने यह नया ड्रेस नया सूट पहना। आप बताइए कैसा है। तो चलिए, आप लोगों से सबसे पहले स्कूल चली जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात करती हूँ। निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए और आपको बता दूँ, इस हफ्ते मेरे इस महीने मेरे 3 व्रत हो जाएंगे, क्योंकि मंगलवार का तो मैं रखती ही हूँ। अब मंगलवार के बाद में सोमवार, चूँकि श्रावण का महीना चल रहा था, श्रावण सोमवार से रखती हूँ। और अब मैंने शुक्रवार का व्रत सोचा था वैभव लक्ष्मी का रखने का, तो अब मेरा वैभव लक्ष्मी का भी व्रत हो गया। तो इस महीने मेरे 3 व्रत चलेंगे, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। चलिए अब जाती हूँ, बहुत देर हो रही है, चलते चलते बात कर रही थी, मुझे मेरा ये बोलना रह गया था, ये बताना रह गया, तो मैं चलो अभी पहले बता देती हूँ फिर बात करती हूँ। पता नहीं आवाज़ ये बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये मेरे कैमरे का नए फ़ोन से कर रही हूँ, आप बताइएगा क्वालिटी कैसी है, पहले से बेटर हुई या नहीं। उन पाप रे चाहिए, उन पाप रे, बस बस वन टू बस, लग जाएगी गुड बाय। अरे गुड बाय। फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बहुत रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रही, मैंने नया फाइन मास्टर का ऐप डाउनलोड किया बट इसमें हो ही नहीं रहा। अब दिखाती हूँ अमन को दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब तो पहले मैं उपवास है तो मैं केला खा लेती हूँ, उसके बाद अमन अगर कुछ सेटिंग कर देता तो ठीक है, अच्छी बात है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मतलब टेंशन वाला काम होता है ऑनलाइन पढ़ाने के बाद, घर में भी काफ़ी काम होते हैं। तो बस स्कूल से मैंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया और आने के बाद मैं अपना ये देखिए काम वगैरह लेकर बैठी थी। अभी कुछ रिटर्न वर्क बाकी था तो वो रिटर्न वर्क कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं जाने वाली थी अपनी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि उनका भी उपवास रहता है शुक्रवार का, वही उपवास पहले रहती थी वैभव लक्ष्मी जी का। तो इस बार मुझे भी, वो हमेशा से रहती आई हैं, तो मैंने इस बार मेरी इच्छा हुई कि मैं भी रखूँ, तो इसलिए उनको मैंने कह के रखा था जब भी आप करना उपवास मुझे ही बताना। तो आज मेरा पहला व्रत है वैभव लक्ष्मी जी का, तो वहीं जाके मुझे पूजा करनी है, साथ में कुछ कलश वगैरह स्थापना करनी होती है, तो वहीं जाकर मुझे वह पूजा करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा निकलने के पहले अपना काम कर लूँ। देखिए मेरा काम हो चुका है और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक केला खाया है, तो बस अब चाय पीऊँगी और फटाफट निकलूँगी। ये देखिए मेरे काम रिटर्न वर्क हो गया, तब से वही बैठे कर रही थी। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कब कब जल्दी से स्कूल खुल जाए और हमको भी राहत मिले, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में जितना बच्चों को तकलीफ हो रही है मेरे ख्याल से उतनी ही तकलीफ टीचर लोग को भी हो रही है, उतनी ही परेशानी हो रही है। क्योंकि जब बच्चे हमारे पास होते थे फेस टू फेस हम उनको अच्छी तरह समझा पाते थे, बट ऑनलाइन में बच्चा क्या कभी नेट चला जाता है, कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए बस यही कामना करूंगी। तो चलिए फटाफट जाकर चाय पीती हूँ और फिर निकलती हूँ मेरी बड़ी वाली दीदी के यहाँ पर। और देखिए घर पे मेरी दीदी को भी, मेरी बड़ी वाली दीदी को बीएलओ का काम मिलता है, बीएलओ ने जो इलेक्शन ड्यूटी के साथ में जो काम होते हैं ना वो बीएलओ का काम मिलता है। तो वो बीएलओ के जो बहुत सारे फॉर्म मिले थे, यानी कि वोटर आईडी के काम होते हैं बहुत सारे उसको, तो वो भी करने पड़ते हैं, तो वो करने के लिए वो कर निकल चुकी है। उस सारे फॉर्म को करीबन 100-150 फॉर्म थे तो उनको जमा करने गई है इलेक्शन ऑफिस, तो वहाँ पर गई है। और मैं और नियो अकेले हैं और नियो को मैं दिखाती हूँ कितनी शांति से चुपचाप पड़ा है, क्योंकि कोई घर पे जाए वो उसको सहन नहीं होता, खासकर जब अमन जाता है तो उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। दिखाती हूँ आपको किस तरह से लेटा, देखो नियो ईशी कैसी लेती है मेरी भाभी, मेरा कुछ कुछ लोचा कुछ लेचा, देखो उदास सा लेटा है ना, कैसे लेटा देखो। अभी आएंगे सब लोग तो खुश हो जाएगा, ठीक है मैं चाय तब तक रखती हूँ ताकि उन लोग आए, चाय पिए और मैं निकलूँ। ये देखिए निकल कर आया, ये निकल कर आया, ये निकल के आ गई मेरी सोनी।
करेले दिखाती है, कितने छोटे छोटे करेले आ गए मेरे पौधे में। ये कितना प्याला सा करेला लग रहा है मेरा, और बहुत सारे फूल बहुत सारे निकले, बट पता नहीं होगा कि सारे आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत ढेर सारे पत्ते फूल निकले हैं, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे आए हैं। ये देखिए ये, और कहाँ था ये, एक तो मैं तोड़ चुकी हूँ पहले ही, और ये देखिए ये बहुत सारे फूल निकले हैं। लेकिन क्या होता है ना, अपने को निकले लेकिन क्या होता है ना, अपने को पता नहीं होता है कि कैसे उनकी सेवा करनी है, क्या करना है। तो पर मुझे बहुत, मेरा एक सपना है कि एक फार्म हाउस तो नहीं कहूँगी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा सपना हो जाएगा, लेकिन मुंबई के बाहर एक छोटी सी ज़मीन लूँ, और जहाँ पे मैं भले 2 BHK हो, मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन हो, बस उतना ही हो, छोटा सा घर हो, या फिर 1 रूम किचन भी चल जाएगा या 1 BHK भी चल जाएगा, लेकिन आंगन में बहुत सारी जगह हो जिसमें मैं बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे उगा सकूं। अगर आप लोगों की आप लोगों का सहयोग रहा तो मेरा यह सपना ज़रूर पूरा होगा। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे ये अपना सपना आपके द्वारा ही पूरा होने का लगता है। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ प्लीज़ मेरे ये सपने को पूरा होने में आप अपना सहयोग दीजिए। तो चलिए चाय रख देती हूँ गैस पे, और आप भी आ जाइए चाय पीने। इसका कलर कैसा लग रहा है, अच्छा है ना? और ये प्लाजो है, मैं प्लाजो बहुत कम पहनती हूँ, बट मैंने इस बार लिया। चलिए काम करते हैं, पहले फटाफट समेट लेते हैं, बहुत सारा काम समेटना है। मम्मी आगे जा। क्या तो ये रेडी हो रही है अब मेरी चाय, है मेरी चाय रेडी, आप भी आ जाइए पीने के लिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ और बस निकल रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि पूजा मुझे वहीं जाके करनी है, क्योंकि दीदी भी वहीं उपवास रखती है। तो चलिए निकलते हैं अब, और यहाँ पे देखिए कितनी मस्ती चल रही है इन दोनों की। ये देखिए कितनी मस्ती चल रही है, दोनों की मस्ती कर रहे दोनों जन। चलिए तो सबसे पहले जाती हूँ पूजा करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि जो स्थापना वगैरह की जाती है वैभव लक्ष्मी जी की, वो मेरी दीदी करती है, तो मैं भी वहीं पे व्रत अपना वो जो पाठ पाठ करना होगा वो करूंगी। कर दिया भैया ने, क्या कर दिया, क्या किया रे कुआमन उसको क्या बदमाश किया है उसके साथ, बदमाशी कर दिया उसके साथ। नियो मम्मी को बता दे, नियो मम्मी को बता दे, देखो मेरे से गले में क्या बांध दिया नियो नियो मस्त बना भी रहा था। नियो देख देखो मम्मी बुला रही है, नियो ए नियो कौन आ रहा है, तेरा टाइसन आ रहा होगा। जब मम्मी आ रही बोला मम्मी को बता दे, जा जब मम्मी छोड़ देगी जा। ठीक है मौसी जो आ रही है, मस्ती नहीं करना। हाँ क्या खाना खा लेना। अच्छा ऐसा लाड़ करेगा, अच्छा लाड़ करेगा, बाय बाय। हाँ नहीं हो कैसे लेट गया, देख नहीं हो, उठना उठना चलना, बाय बाय, गुस्सा है, बाय बाय। ला मैं नहीं होगा निकाल दू, ला मैं नहीं होगा निकाल दू, ला बनाया बड़ा खाना खा के देख ऐसे कर। अरे ठीक, गुस्सा ही गुस्से का साइन है इसका, ये गुस्से का साइन है इसको, गुस्सा छीक आ रही है तो मतलब गुस्सा आ रहा है। जा रू ना, जाऊंगा जेजे पप्पू ने बड़ी दी खुशबू जी के पास जा रही, नहीं जाऊ मेरा कपड़ा पकड़ लिया दीदी, ये कैसे पकड़ लिया, नहीं जाना तो पड़ेगा ना, पगला इतना गंदा निकला ऐसे तो। अरे बाप रे ऐसा गुस्सा, कितना गुस्सा आ रहा है मेरे नियो को, ला सा मैं निकाल दू, चला मैं निकाल, ला मैं निकाल दू, अरे ला निकाल दू ना, दे ना मम्मी को भी तरस नहीं आता है, खाली खाली नियो की मौसी मैं ही हूँ बस, किसी को तरस नहीं आता है। खोल दिया मधुरी, तू भी बहुत बड़ी दगाबाज है, खोल दिया बस, चलो बाय बाय, मत जाओ, बाय बाय नियो, नियो मौसी जा रही है, बाय 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 बाय। तो बस अब मैं दीदी के यहाँ पहुँचने वाली हूँ,
और जैसा कि आपको बताया था वो देखिए आ गया है मेरा दीदी का घर, और यहीं पे हम तीनों जन साथ में पूजा करेंगे। हाँ, और मेरा अवतार देखिए कैसा हो गया है, क्योंकि ट्रेन में आने की वजह से हालत ख़राब हो जाती है। लॉकडाउन होने के बावजूद ट्रेन में ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं, फिर भी काफ़ी गर्दी थी, थकान तो आ जाती है, एक घंटे का सफ़र होता है। तो चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको, मैं आ गई हूँ अपने दीदी के रूम पे। ये रूम मैंने अभी पिछले साल ही अगस्त में लिया है, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यही है, इसी बिल्डिंग में है मेरा दीदी का रूम। फटाफट एंट्री कर लेते हैं, और आपको बता दूं हवा बहुत बहुत अच्छी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, लो दीदी, दीदी को दे देंगे सब, ले क्या? सब दीदी लो जाओ, लो दीदी ले जाओ। बबू लेगा? बबू लोगे? नहीं नहीं, इसने इसने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, हमको नहीं चाहिए, इनको अच्छा फिर खाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, मानविक को नहीं देना, मानविक ने कहा हम तो खा लिए हैं। आपने ना बोल दिया था, सोचे पड़ गया। अच्छा अच्छा, दे देना, हाँ दे देना, मानविक के लिए भी ये दे दो, दे दो अभी, दे दो। देखो क्या है इसमें, कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है बताओ, उसमें एप्पल है, बनाना है, ठीक है ठीक है। चलो अभी हम लोग जे जे पा कर लेंगे। हाँ तो चलिए, भगवान जी की जय जय, पहुंच चुका है मंदिर, और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, थोड़ा स्नान वगैरह करके फटाफट। ये सभी लोग पूजा करने जा रहे हैं, मैं भी जस्ट अभी अभी आई हूँ। मैंने कहा था ना कि हम सब तीनों, खुशबू का भी उपवास रहता है, दीदी का भी उपवास रहता है, तो मोहर तो वो हमेशा रखती है वैभव लक्ष्मी जी का, मैं फर्स्ट टाइम रख रही हूँ। तो चलिए पहले स्नान कर लूँ, नहा लूँ, नहाने धोने के बाद पूजा करती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए माँ वैभव लक्ष्मी माता की। माँ वैभव लक्ष्मी माता की जय। माँ वैभव लक्ष्मी माता सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, साथ में सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और माँ वैभव लक्ष्मी माता, मैंने जो मांगा है वो भी आप मेरी पूरा कर दीजिए, ऐसी मेरी दिल की ख्वाहिश है। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी माता। दीदी बोलो पहले, आज हमारी व्रत कथा, व्रत की जो पूजा मुक्ति वो अभी अभी कंप्लीट हुई है, हम सभी लोग ने पूजा कर ली है, जो पूजा भी नहीं थी कंप्लीट कर ली, अब हम लोग सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं, और ये भी किस तरह से एंजॉय कर रहा है, पूजा को एंजॉय कर रहा है, उसको प्रसाद कर रहा है, तो आप भी खा लीजिए प्रसाद। और इसी के साथ मैं वीडियो की एंडिंग करती हूँ, चलिए बाय बाय, खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा पहला व्रत रखकर, तो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आप सभी को सुख दे, शांति दे, सबके जीवन में खुशियाँ लाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप लोग का ढेर सारा प्यार दीजिए। अंत में सिर्फ यही कहूँगी, हमेशा खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टाटा। Thank you.